नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, शेखर जोशी ब्लॉग्स में। तो सुबह हो गई है, दो दिन की छुट्टी के बाद बच्चे जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ये शाबाज बेटा, गुड। कैसे कलर की है, दिख भी नहीं रही है टी-शर्ट। खाली है ये, मना करती है सब पंते बच्चे अंदर से। मेरे को देख रहे कितना जुकाम हो जा रहा है, यहाँ ठंडा होता है यहाँ। तो गाइज हम आए हैं SBI में, यहाँ पे थोड़ा सा काम था और आपको एक चीज दिखा दूंगा। देखो ये देखो, हमारे भारत की पहचान। इतना अच्छा बैंक बना है, इतना अच्छा। फिर लोग पच्चे थूक जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम पढ़े हैं, पढ़े लिखे तो हैं, मतलब वो जो होता है ना कि रट रूट के पढ़ लिए, एजुकेटेड नहीं है। हमें पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा प्लांट लगा है ना, उसी के पीछे उतना थूक रखा है। और होंगे कौन थूकने वाले, डेली वाले ही होंगे। मेरे तो ध्यान ऐसी चीज़ों में सही गया है। तो दोस्तों आज हमने ना सबसे पहली बार जो ये ब्रेड देखा है, ये ब्रेड जो है इतना मस्त ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड। मतलब इस टाइप के ब्रेड देखे नहीं यार अभी तक, कसम से फर्स्ट टाइम देखी यार। हाँ तो ये हम ले जा रहे हैं इस बार। तो दोस्तों पहुंच गए हैं घर, अब थोड़ी देर में भूभी को लेने जाने का टाइम हो जाता है। और धूप तो बहुत आ रही है आजकल, ये देखो रेगुलर धूप चल रही है। तो दोस्तों टाइम हो गया है भूभी को लेने जाने का, तो चलते हैं भूभी को लेने के लिए। तो पहुंच गया भूभी के स्कूल, छुट्टी हो चुकी है, सही टाइम पर पहुंचा हूं। तो भूभी ने ना मुझे एकदम से देख लिया, एकदम से पलक झपकते ही देख लिया मुझे। हैं चल बाय बाय कर लो, ये बाय बाय भी कर रहे हैं, साथ भी जा रहे हैं ये दोनों। जरा मेरे को मुंह दिखा दो ऐसे करके पीछे को, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओए उठा उसको, मैं ये नौटंकी नहीं है, मेरे हाथ पकड़ने से पहले ही नहीं, ऐसे करते हैं बैग की बेइज्जती। ये देखो ये साफ कर इसको, पहले साफ कर, पहले अच्छे से साफ कर। कुछ नहीं नौटंकी कर रही है, सारा गिरा दिया इसने। देखो मतलब तड़ी भी की भी हद होती है यार। ये ना तो चल ये यहाँ से, मम्मी ने आना हुआ लेने के लिए, पापा ने बैग पकड़ना हुआ। जूते देखो, जूते कैसे खोल लिए ये जूते भी यहीं से खुल रहे। हेलो, इतनी नौटंकी हो रखी है, ये पड़ गया देख रहे हो ये। बाप रे घाम तो खतरनाक हो रखा है, लेकिन बारिश आ सकती है क्योंकि बादल तो दिख रहे हैं यार, मस्त मजा आ गया। यहाँ दोस्तों कितनी गर्मी क्यों ना हो रही हो, मतलब ना एक मन में रहता है नहीं यार कभी भी ठंडा हो जाएगा, कभी भी बारिश आ जाएगी, तो इस चीज का बड़ा सुकून रहता है। तो दोस्तों हो गई है शाम और इतनी मस्त हो रही है क्या बताऊं, एकदम मौसम आज बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरे दिन धूप थी, तो ऐसा ना जैसे अक्टूबर का महीना होता है वैसा ही लग रहा है एकदम। कैसा लग रहा था मौसम? बहुत ही प्यारा हो रहा है मौसम। अब मैं और भूभी का ना खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हो तुम? चलो खेलो ना यार उसके साथ। अरे यार उसे फूदा कहाँ जा रहा है। ओए ऊंचा टूट गया, ऊंचा टाइल टूट गया नीचे। ओए भूरी रोटी खाएगी, देखो 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 देखने लगी, खाएगी मुंह खोलने लगी, रुक जा मैं लाती हूँ। यही पर मैं ला रही हूँ ना। कौन खिलाएगा भूरी को रोटी? भूभी की कुर्सी भी इतनी छोटी है ना, ये मेरा मन कितनी बार में बैठने को करता है, अब क्या करूँ, हटाने वाला नहीं हुआ। तो हल्द्वानी वाले हैं, हाँ हल्द्वानी वाले मजबूती तो है वो, हाँ, वो तो बहुत ही मजबूत है वो, उसमें तो सब फैमिली के सारे मेंबर बैठे आते हैं। हाँ सभी तो बैठते हैं उसमें मेरे ख्याल से। भूभी गिर गई थी हल्द्वानी में, तो भूभी के नाक में और होंठ में चोट आई थी, तो हम भूभी से कहते थे दिखाओ अपनी नाक दिखाओ, कैसे दिखाती थी, कैसे दिखाती, अब देखो और होंठ दिखाओ गया था। हाँ मैं तो देख के डर गया था। फिर अच्छा मुन्नू ने ठीक कर दिया। क्या हुआ? मच्छर लग रहे हैं यार। यहाँ मच्छर लगते तो है ना, लेकिन ये बात है कि डेंगू नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। हाँ यहाँ के मच्छर उसके पीछे पड़ी है देखो। तो दोस्तों यहाँ पर मच्छर मरा और नेचर का प्रोसेस देखो, उसको लेने के लिए चींटी भी आ गई है, पंख पकड़ दिया उसने तुरंत। देखो
इसकी हिम्मत की दाद दे रही बड़ी यार। तो दोस्तों खेलते खेलते हम आ गए छत में, और क्या मौसम है यार यहाँ तो, क्या मौसम है अल्मोड़ा, औसम है भाई देखो। रखा होगा ना बहुत जो, हाँ पूरी वो कलर वगैरह कर रखे होंगे ना, ड्राइंग करते हैं वही तो। गजब है यार, गजब है। और स्पेशली यहाँ से तो लुक आता है ना, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब कुछ हो ना हो यार आदमी के पास ना, नेचर हो तो बहुत है, काफी है। सही बात, हाँ सच में नेचर का जो आनंद है वो कहीं नहीं। हाँ देखो यहाँ से डाउन कितना है, बाप रे मुझे तो बहुत डर लगती है यार, मैं देख ही नहीं पाता मुझे। बाप रे ये बहुत ज्यादा डाउन है, खतरनाक है यार। तो आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भजन संध्या में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। तो दोस्तों अल्मोड़ा सबसे बेस्ट क्यों है, मैं हर बार हर दिन हर पल आपको बताऊंगा। यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, अब इस समय इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो हमने हनुमान चालीसा करी और हनुमान चालीसा के बाद गरिमा बना रही है मस्त काढ़ा। तो गाइज आप पैसे बाहर कितने भी कमा लो शहरों में, बुरा मत मानना, प्लीज डोंट माइंड। जो लाइफ का आप मजे यहाँ कर सकते हो वो कहीं नहीं। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि शहरों को छोड़ो यहाँ आ जाओ, यहाँ सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने वो हैं, तो कोई भी कहीं भी जबरदस्ती नहीं रहता है ना। पर हाँ कुछ लोग होते हैं जो डिमोरलाइज डिमोटिवेट करते हैं अल्मोड़ा को, हमने अक्सर ये चीज नोट की है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको मजा तो आ रहा है पर कहना नहीं है, अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है, क्या कहें, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। तो खैर चलो, लेकिन ये अच्छा लग रहा है हमें, हमारा तो बहुत बड़ा उद्देश्य है यहाँ आने का, और मजा आ रहा है। तो जिस चीज में मजा आ रहा है मैं आपको जरूर बताऊंगा, आ रहा है मजा ऑफ कोर्स। ये जी आ गया जी काढ़ा बन के, वाह। तो गाइज आज लक्षा को 3 बंदर मिले और बंदर बंदर के साथ फाइट करी, बताया इसने, आई लाइक इट बेटा, यू फॉट। 3 बंदर थे हाँ, और तो तूने क्या करा बता। एक बंदे मेरे पीछे आने लग गया काटने को, फिर मेरा बैग पकड़ने लग गया, फिर मैंने बैग इसी उसी को पेल दिया। गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बेटा मैं यही बनाना चाह रहा हूँ, यही बनाना चाह रहा हूँ बैग, बट ये तो नहीं है ना, मतलब उस टाइम तो मैं जैसे एकदम लड़ लुड़ के आगे भयंकर मार काट करके आगे जाके जो डरी ना, मतलब डरना नहीं चाहिए, बंदरों से लड़के आगे डरना नहीं चाहिए बेटे, डरना उस टाइम पे कभी भी नहीं डरना, कभी भी मत डरना किसी से भी। राइट, अभी अभी तो आगे बाहर जाएगी ना बेटा, फिर तो तुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और तुझे पता है कि ये इस टाइम पे क्या क्या चल रहा है, कितनी गंदी चल रही है, मतलब उसमें ना शहरों में तो खासकर हमारा पहाड़ फिर भी सुरक्षित है। राइट राइट, हमारा पहाड़ बहुत सुरक्षित, यहाँ तो बहुत बहुत लोग हैं हमारे पहाड़ के, मैं गर्व करती हूँ अपने उत्तराखंड को, मतलब अभी तक यहाँ भगवान की कृपा से ऐसे केस नहीं सुनाई देते हैं। तो ये बड़ी बड़ी सिटीज में जब ये बच्चा जाएगा, मेरा तो अभी से दिल इतना मतलब बैठ रहा है ना, सच बताऊं दोस्तों मेरा तो, मतलब मैं इनसे रोज कह रही हूँ कि हम मेरे हाथ के चक्कर में कभी इनको फीवर हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, मेरा बहुत ज्यादा मन है कि मैं एक वीडियो हम लोग बनाए जिसमें मतलब एक तो बच्चों की सेफ्टी दिखाएं, उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे किससे लड़ सकते हैं, और मतलब बहुत बुरा लग रहा है, मतलब सुन के सोच के बहुत ही ज्यादा। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट तुझे जाना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ हम खाली तेरे को यहाँ तेरे कंधे में बंधु रख के तेरे को यहाँ पर रख के कोई रहना तो हमें है नहीं, तो तुझे जाना तो है ही, वही हमारा उद्देश्य भी है, तुझे अल्टीमेटली बाहर ही जाना है ना, तो तुझे स्ट्रांग बनना होगा बेटे, क्योंकि हर लड़कियों के पास हथियार भी होना चाहिए, एक एक हथियार, मतलब छोटा सा जो फोल्ड करने वाला चाकू आपको नहीं होता वो जरूर होना चाहिए, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मतलब मुझे। और लेकिन नहीं, अपने जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है ना, मार भी देना चाहिए सीधे, मतलब अपने आप सेल्फ डिफेंस, सीधे मार दो, सीधे हाथ काट दो यार, बजाय रोने धोने मैं तो औरत हूँ ये वो ऐसी, मुझे छोड़ दो। हाँ अरे मारो उसको, तो यही अभी से तो स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए इनको। अगर तुम यही चूड़ी बिंदी ये वो इसी में रह जाओगे, गुड्डे गुड्डिया ये इसी में, या भावनाओं में, या इनको सीरियल दिखा दिखा करके इनको इमोशनली करोगे तो फायदा नहीं है ना, स्ट्रांग बनो,
नहीं बेटे, बहुत से लोग होते हैं वो बच्चों को इमोशनल करते हैं, है ना, तो बिल्कुल ना इमोशनल अपने लिए भी नहीं करना है, दूसरे के लिए भी नहीं करना है। तो दोस्तों इन सब बातों का मतलब यह है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए। हम ना नक्शा से हर चीज बात करते हैं, कौन से टीचर कैसे बोलते हैं, उनके अंकल कोई कैसा के क्या बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या पता है, लक्ष्या हमसे हर बात शेयर कर सकती है, वो चाहे पर्सनल हो, चाहे वो स्कूल की हो, जाए कोई भी बात हो, तो हमने कभी टोका नहीं। कई लोग मैंने देखा है माँ बाप एक ऐसा ऑरा बना देते हैं, अरे पापा आ रहे हैं, छुटाओ छुटाओ, अरे मम्मी आ रही है, अरे नहीं संस्कारी संस्कारी बच्चे, कुछ भी नहीं कहना। अब उन संस्कारी बच्चों को कई बार कोई छेड़ रहा होता है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, और वो घर में नहीं बताते, क्योंकि उन्हें वो बताया होता है ना बचपन से ही कि लड़की को तो इज्जत, अगर बता देंगे हमारी कोई बात, मुझे कोई लड़का छेड़ रहा था तो इज्जत का क्या होगा, कुछ नहीं होता है यार, इज्जत उसकी खराब होती है जो गंदगी फैला रहा है जानवर, है ना। तो इसलिए अपने बच्चे को, हालांकि सब लोग को पता है आज के टाइम पर, फिर भी आपका बच्चा अगर कोई भी बात बता रहा है, कुछ भी हुआ कैसे भी हुआ, उसको डांटिए मत, उसको वो मत करिए, उसकी सुनिए, क्योंकि अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो बाहर वाला उसको सिंपैथी के बहाने बाहर वाला सुनेगा, फिर वो गलत फायदा उठाएगा, तो ये भी एक कारण है। लात मार दी। तो दोस्तों ऐसा रहा आज का दिन, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए धन्यवाद आपका, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।